हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, ये हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर क्या होगा आपका? ये मॉक नंबर है आपका 1। मैंने टारगेट किया है आपका एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए। ये रीजनिंग के मैं देखो कोशिश करूंगा 10 मॉक, कितने टोटल जो मॉक की संख्या होगी ना हमारे, टोटल नंबर में जो मॉक कराऊंगा आपको 10 मॉक्स कराऊंगा गाइस। अब इसमें क्या होगा कि आपको रीजनिंग के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब टोटल जो 35 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग में, पीओ लेवल के भी होंगे, आपके क्लर्क लेवल के होंगे, अगर आपने इन 10 के 10 मॉक को अगर आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया, इसको अगर आपने बढ़िया तरीके से अगर वॉच कर लिया, तो आपका जो तरीका है ना एग्जाम को अटेंड करने का, वो एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो अब स्टार्टिंग के जो मेरे 5 क्वेश्चन आए ना, अब देखो गाइज, मैंने पेपर को ऐसे सेट किया कि अगर आप वैसे अटेम्प्ट करते हो तो आपके, देखो मैं गारंटी देता हूँ, देखो अगर आपकी स्पीड बढ़िया है, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, तो आपके डेफिनेटली 35 आउट ऑफ 35 आएंगे। बट मैं फिर भी गारंटी देता हूँ आपको 30 प्लस की। ठीक है, क्योंकि तो जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना गाइज, आपने अगर आईपीएस पीओ का देखा होगा, तो उसमें देखो आपको 5 पजल या कहीं कहीं तो आपको शिफ्ट में आपकी कितनी मिली है, 6 पजल्स भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा वैसे ही पेपर मैंने आपका ये जो आपका सेट किया है। ठीक है, चलिए ये आपका देखो क्वेश्चन जो बेस्ड है ना, वो आपका है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब इस क्लास की जो टाइमिंग है ना, आपको डेली मिलेगी सुबह 11 बजे। ये 11 बजे आपको डेली मॉर्निंग मिलेगा, कोशिश करूंगा डेली, बट एक या दो दिन में आपको आपको कन्फर्म है कि एक मॉक अगला मिल जाएगा, बट ये रिकॉर्डेड क्लास चलेगी आपको। रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा आपको लाइव चैट में दे सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें देखो इसमें क्या होता है कि आपको 4 से 5 सेंटेंस मिलते हैं। ठीक है, उसके आपको कोड को डिकोड करना है। जैसे देखो इसमें देखो आपको वर्क इज वर्शिप, वर्क हैड ऑलवेज ऑलवेज डू वर्क शिप हार्ड टाइम पासिस। देखो अगर मैं पहला वर्ड लू, सबसे पहले मैं कर लू वर्क, तो यहां पे लिख लू मैं वर्क। ठीक है, तो वर्क आपका देखो इसमें भी है, सेकेंड सेंटेंस में भी है, थर्ड में है क्या? नहीं, फोर्थ में नहीं। अब इसका कोड देखो आपको कॉमन होगा इसके अंदर, तो जेके है कि हाँ देखो और कोई है नहीं, तो मुझे पता चल गया कि वर्क का कोड क्या हो जाएगा आपका जेके। तो यहाँ पे लिख दूं मैं वर्क का कोड हो जाएगा आपका जेके। सेकंड देखो आपका इज है क्या? कॉमन नहीं। बट आप देखो वर्शिप, वर्शिप आपका फर्स्ट में भी है, वर्शिप आपका थर्ड सेंटेंस में भी, और देखो कहीं है क्या? नहीं। तो इसका कोड देखो यू भी हो सकता है, नहीं आर टी, नहीं पी क्यू। तो वर्शिप का कोड क्या हो जाएगा आपका PQ, और इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा RT। तो इज का आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका RT, और थर्ड वर्ड है ना आपका वर्शिप है ना, उसका कोड हो जाएगा आपका PQ। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो हार्ड, हार्ड देखो आपका सेकंड सेंटेंस में भी है, उसके बाद आपका फोर्थ में भी है, तो यहां पे मैं लिख दू हार्ड, अनवांटेड साउंड तो कृपया करके इग्नोर कर देना। अब देखो हार्ड, हार्ड देखो आपका सेकंड में है और फोर्थ में, इसको कॉमन देखो MN हो सकता है, यू भी है क्या? नहीं। तो मुझे पता चल गया कि हार्ड का हो जाएगा MN, तो हार्ड का हो गया आपका MN, ये हो गया MN। उसके बाद ऑलवेज का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा UV। ऑलवेज आपका देखो थर्ड सेकंड में भी है और आपका थर्ड में भी है, तो यहाँ पे लिख दू मैं ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज का हो जाएगा UV, तो यहाँ पे भी ऑलवेज का क्या हो जाएगा यू जाएगा। अब ये डू, तो डू हो जाएगा आपका ST का, तो डू का क्या हो जाएगा आपका कोड, वो हो जाएगा ST। इस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, इजिली आप कर सकते हो क्रैक। ठीक है, अब टाइम और पासिस का, इन दोनों का कोड हमें नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे लिख दो टाइम, ठीक है, और पासिस, तो इसका कोड क्या होगा, आइदर AB होगा या फिर आपका EF होगा। ठीक है, तो आपको यही चीज ध्यान रखना कि टोटल मेरे क्वेश्चन कितने आते हैं इस पे, बेस्ड आता है 5 क्वेश्चन। आप इजिली, आप 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट में आप इजिली 5 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे पहला कोड इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोडेड फॉर RT। RT किसका कोड था आपका? अगर देखो RT आपका किसका कोड था, इज का, इसका था इज का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया, ये आपका आया पजल बेस्ड, क्योंकि उसके जो आपके 5 क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, बट एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था आपको पता चल जाए।
अब इसमें क्या बोला है कि देखो इसके 5 क्वेश्चन आए, क्योंकि अब हमारा फोकस क्या होगा, क्योंकि देखो ये IBPS हो चाहे SBI हो, ये क्या करते हैं, जो पैटर्न होता है, अगर SBI कुछ चेंजेस लेके आता है तो IBPS फॉलो करता है, ठीक है, ये कंफर्म है। बट अगर कुछ चेंजेस ऐसा चेंजेस है जो परफेक्ट हो, तो जैसे IBPS ने क्या करा है कि लेवल PU का हार्ड किया है, पजल्स के क्वेश्चन कितने 5 से लेके 6 लेके आ गया वो, तो वो क्या करेगा, SBI भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर सकता है। देखो इसमें क्या बोला, 6 पर्सन आर गोइंग टू दिस डिफरेंट सिटीज टू डिफरेंट डेट्स, मतलब देखो कुछ मंथ है उनकी डेट दे रखी है, 7 तारीख दे रखी है, एक आपको 16 दे रखी है, डिफरेंट 3 मंथ मार्च अप्रैल और मई। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन हर किसी ना किसी शिफ्ट में तो मिल ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सोल्यूशन देखना। देखो मेरे पास क्या है, 6 पर्सन है और 6 आपके मंथ कितने हैं, 3 है और डेट हो गई हमारी 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले मेरा है मार्च मंथ, ठीक है, उसके बाद आपका है अप्रैल, ठीक है, उसके बाद है आपका मई मंथ, ठीक है। देखो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तरीका ही सबसे बेस्ट, आपकी जो अप्रोच मैटर करती है गाइस, ठीक है। ठीक है यहाँ पे हम लिख देते डेट, तो एक तो 16 है और एक हो जाएगी आपकी 7 और 16, इस मंथ की हो जाएगी 7 अप्रैल की और 16 की हो जाएगी अप्रैल की, ये हो जाएगी 7 और 16। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखो ये हो गया, अब देखो यहाँ पे बी गोज इन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, मार्च में होते हैं आपके 31, अप्रैल में होते हैं आपके 30 और मई मंथ में होते हैं आपके 31, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि बी गोज ऑन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑड नंबर ऑफ डेट, बी कंफर्म हो गया कि मेरा 7 तारीख को जाएगा और 31 दिन होंगे ना जिस मंथ में उसमें जाएगा आपका, तो मेरे दिमाग में आता है 31 वाला, एक तो मार्च है एक मई है उसकी, देखो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, मैं दोनों आपको बताता हूँ कि एक बार बी मेरा कंफर्म हो गया कि 7 मार्च को आएगा और एक बार बी मेरा कंफर्म हो गया आपकी 7 मई को आएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम एक काम करके हटा देते हैं यहाँ से ना। चलिए अब आगे बोला कि 2 पर्सन गो इन बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे, ठीक है। जो अब देखो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसको आगे बना देते ना, ताकि हमारे हमारे पास ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। बी मेरा यहाँ पे था, अब बी और पुणे वाले पर्सन के बीच में 2 पर्सन आएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन देखो आपकी, ये मेरा पहला केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। तो देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा पुणे जाने वाला पर्सन फर्स्ट केस में, सेकंड में देखो 1 2 पुणे जाएगा वो पर्सन आएगा 16 मार्च को। चलिए अगर बोला है कि ओनली 2 पर्सन गोज आफ्टर द वन हु गोज वाराणसी, वाराणसी के बाद आपके कितने पर्सन आएंगे, 2 पर्सन आएंगे, तो फर्स्ट केस में देखो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा सेकंड केस। तो देखो 1 2 जो आपका वाराणसी जाएगा ना वो जाएगा आपका 16 अप्रैल, ठीक है गाइस। चलिए एक गोज दिल्ली ऑन अ ऑड नंबर ऑफ डेट, अब ऑड नंबर ऑफ डेट बोला है, तो डेट देखो आपकी, देखो एक तो 7 मार्च है, एक आपकी 7 अप्रैल है, मई तो हो नहीं सकती, तो मुझे पता चल गया कि ए मेरा कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, और कब जाएगा वो आपको 7 मतलब 7 तारीख को जाएगा, अभी हमें नहीं पता। ओनली अ 1 पर्सन गो बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में आपका 1 पर्सन होगा, ठीक है जी। अब ए मेरा ए के सॉरी ए मेरा एफ के पहले भी आ सकता है और बाद में आ सकता है, एज मैनी पीपल हु गो बिफोर एफ, एफ से पहले जितने जाएंगे यहाँ पे लिख देते हैं उतने ही आपके एज मैनी गो आफ्टर सी, उतने सी के बाद जाएंगे, ठीक है जी। चलिए मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन डी एंड ई, अब इसका मतलब समझो आप, डी और ई के बीच में क्या, मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3,
ठीक है, चार भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। हु गोज टू इंदौर, हु किसके लिए आया आपका, ई के लिए आया, तो ई आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, एफ डज नॉट गो टू चेन्नई, तो एफ मेरे कहाँ नहीं जाएगा, वो चेन्नई नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार गाइस मैं गारंटी देता हूँ, अप्रोच सीख लो, डेफिनेटली रीजनिंग की गारंटी मैं देता हूँ आपको। और वन ऑफ द पर्सन विजिट टू जयपुर, एक पर्सन आपका वो होगा तो जयपुर जाएगा। अब हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी। अब देखो ए मेरे दिल्ली जाएगा और 7 तारीख को जाएगा, हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ ए, ठीक है, मेरे पास ये भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे आ गया दिल्ली। ए और एफ के बीच में एक पर्सन है तो ऊपर तो आ नहीं सकता, तो नीचे ही आएगा। चलिए अब देखो ये वाली कंडीशन, एफ से पहले कितने आपके, एक दो, उतने सी के बाद होने चाहिए, तो एक दो अभी तक सही है, तो ये आ गया सी। ठीक है जी, हो गया। चलिए अब देखो ई के साथ आएगा इंदौर, अब ई यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, सर ई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा और उसके साथ जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, चलिए अब डी मेरा यहाँ पे आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मोर देन टू का मतलब देखो एक दो तीन आ रहे हैं। ठीक है जी, एफ मेरा चेन्नई नहीं जाएगा तो बी मेरा क्या हो जाएगा, आपका चेन्नई जाएगा, और लास्ट जो आपका हो जाएगा वो जयपुर एक पर्सन, तो एफ मेरा कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा जयपुर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। आपको यही चीज करनी, जितनी हो सके कोशिश करना है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ से एकदम आंसर क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि मुझे सबसे पहले काम तो ये करना है कि सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। जैसे मैंने क्या करा, इन्फॉर्मेशन भी लिख रहा था क्योंकि मेरी स्पीड बढ़िया है। तो गाइज अगर आप बिगिनर्स हो और आ रहा हो चैनल पे नहीं, तो आपको एक चीज बता दूं, आपको जस्ट फोकस करना अपनी स्पीड, ठीक है, प्लस एक्यूरेसी। ये किस में करनी है आपकी, प्री में, क्योंकि प्री जो खेल होता है ना वो आपका होता है स्पीड का, ठीक है। बट अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस होता है आपका एक्यूरेसी का, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों का आईपीएस पीओ दे रखा होगा, अटेम्प्ट आपके 50 से ऊपर है, तो आप क्या करो, डेली एक या डेली नहीं, हफ्ते में 2 मॉक तो मेंस लेवल के लगाओ, बाकी आप एसबीआई क्लर्क का, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की मैंने डेट आपको ऑलरेडी बता दी है गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको क्या होता है पेयर बनाने, जैसे आपके ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो जो सीक्वेंस अल्फाबेट चलता है ना हमारे, जो एबीसीडी में होता है, वैसे आपको बनाना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ चेयरमैन को, ठीक है, ये आ गया आपका चेयरमैन। अब हम चेक करते हैं, देखो सी के बाद, देखो हम चेक करते हैं, सबसे पहले सी, सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा, ठीक है। अब लेते हैं एच, एच आई जे के एल एम एन, तो देखो एक पेयर मेरा ये वाला बन गया। ठीक है, अब देखो एक, अब बैकवर्ड भी जा रहा है फॉरवर्ड भी जा रहा है। अब देखो ए बी सी, एक पेयर मेरा बन गया ये, ए बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा। अब देखो आई, आई जे के एल, आई जे के एल एम नहीं बन रहा। अब देखो आर एस टी नहीं बनेगा ये, एम एन ओ पी क्यू नहीं बनेगा, एम एन ओ नहीं बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनेगा, एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू। यही काम करना, जैसे आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं ना वैसे आपको चेक करना होता है इसको। अब देखो इन इक्वालिटी, सबसे इजी टॉपिक ऑफ रीजनिंग ऑफ बैंकिंग एग्जाम। अब देखो कुछ टीचर आपको ऐसे बताएंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको लेस देन देखना है, ग्रेटर देन देखना है, आइदर लेस देन इक्वल टू देखना है, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है खुले से बंद की तरफ जाना है। कहाँ जाना है आपको, ओपन टू क्लोज, जस्ट यू गो फॉर अ ओपन टू क्लोज सर्किट, ठीक है। बट अगर प्रायोरिटी मेरे को अगर देनी होगी, आइदर देखो अगर मेरे को प्रायोरिटी देनी ग्रेटर देन में से और आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू में से, तो हमेशा प्रायोरिटी किसकी मिलेगी आपकी, ग्रेटर देन की। ये दो रूल याद कर लो, 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन, क्लर्क में कंफर्म देखने को मिलेंगे, पीओ लेवल की तो मैं गारंटी देता नहीं हूँ, बट उसमें भी कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें देखो पहला जो कॉन्क्लूजन कहता है ना आपको, ये बोल रहा है एच से मुझे एफ की तरफ जाना है, सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ एच,
एच से मैं जी जा सकता हूँ, बट जी से आगे डी नहीं जा सकता। एच इक्वल टू जे मतलब एच से मैं जे जा सकता हूँ और जे से मैं एफ जा सकता हूँ, और प्रायोरिटी किसकी मिलेगी आपको ग्रेटर देन वाले को। तो ये पहला कॉन्क्लूजन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है जी, पहला राइट हो गया ना मेरा, चलिए पहला कन्फर्म मेरा राइट है। दूसरे में देखो, जी से मुझे के की तरफ जाना है, ये मेरा जी है ना, तो जी से मैं डी जा सकता हूँ, ठीक है ना, जी से मैं एच जा सकता हूँ, तो ये आ गया क्या जी कहीं नहीं है ना, तो ये मेरा क्या हो गया कैंसिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा, ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मुझे ई से मुझे बी की तरफ जाना है। ई देखो आपका ये है, ई से मैं आपका पी जा सकता हूँ, पी से मैं डी जा सकता हूँ, और डी से मैं बी जा सकता हूँ, बट इसमें क्या है, ग्रेटर देन बी आर इक्वल टू बी। सेकंड देखो, ई इक्वल टू बी होना चाहिए। अब ई आपका पी से बड़ा भी है और इक्वल टू बी है, सो ये तो इक्वल टू है, ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसने बोला है कि ई आपका इक्वल टू होना चाहिए बी के। देखो ई आपका पी के इक्वल टू है, और पी आपका देखो यहाँ पे डी से ग्रेटर देन बी आर इक्वल टू बी है, और डी इक्वल टू क्या है पी के, तो ये दोनों डाउटफुल हो गए। और जब भी दोनों डाउटफुल हो तो आपके दिमाग में आइदर वाला केस आना चाहिए कि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है, और दोनों आपके डाउटफुल भी होने चाहिए, और दोनों में एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो चल जाएगा। दोनों डाउटफुल है और दोनों के एलिमेंट भी सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला कि आर से मुझे जाना है वाई की तरफ, तो ये मेरा आर है, आर इक्वल टू वी है, वी से मैं बी जा सकता हूं, और बी इक्वल टू वाई, तो डेफिनेटली बोल सकता हूं आर से मैं वाई जा सकता हूं। सेकंड कहता है कि बी से मुझे जे की तरफ जाना है, तो बी देखो ये आपका, अब बी जे मेरा ये है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो क्लोज हो गया तो मैं आगे नहीं जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से मेरा आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का और पजल का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक आपको बोला है कि 8 पर्संस है सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल आ गई। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के, कोशिश करना एक बार, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देगा। अब देखो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है, मेरे पास रेक्टेंगुलर टेबल है। चलिए आगे उसने क्या बोला, इन अ वे 4 पर्सन आर सिट ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल। चलिए देखो, चार आपके कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, चार आपके क्या है मिडल में, ठीक है, द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस अपोजिट टू द सेंटर। जो कॉर्नर पर बैठा है उनका फेस क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा टेबल के। एंड द वन हु सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल फेस टूवर्ड द सेंटर, जो आपके मिडल में बैठे हैं वो आपके सेंटर की तरफ फेस करेंगे। चलिए अब देखो, पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड आर एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, क्यों सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में आपका क्यों आएगा। अब देखो डी मेरा कॉर्नर भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, बोथ आर एंड सी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि आपका एक तो आर एक सी, दोनों आपके अपोजिट फेस हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपका एक पर्सन बैठेगा। अभी राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। हु डज नॉट नियर टू डी, हु किसके लिए, आपका बी के लिए, तो बी आपका क्या है डी का पड़ोसी नहीं होगा, तो बी आपका डी का पड़ोसी नहीं होगा। आगे बोला कि सी डज सी सिट नियर टू क्यू, सी और क्यू आपके पड़ोसी होंगे, अभी राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एस, देखो डी और एस के बीच में आपके दो पर्सन है, हु फेस द सेंटर, हु किसके लिए, आपका एस के लिए, तो देखो एस मेरा सेंटर की तरफ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एस को मैं देखो यहां पे ले सकता हूँ। ठीक है,
अब डी और एस के बीच में दो है तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, हम चेक करते हैं इसको लेफ्ट में, तो एक दो यहां पे आ जाएगा डी। अब देखो डी के इमीडिएट राइट में आपका क्यू है, तो डी के इमीडिएट राइट में आपका हो गया क्यू, ठीक है जी। क्यू का पड़ोसी आपका सी है, तो क्यू का पड़ोसी यहां पे तो हो नहीं सकता सी, तो सी मेरा यहां पे हो जाएगा। और सी का पड़ोसी, सी के अपोजिट कौन बैठा है आपका, आर बैठा, तो सी के अपोजिट हो जाएगा आपका आर। चलिए अब देखो आगे ए और बी के बीच में 1% आएगा। अगर देखो ए आप लेते हो तो कहीं पॉसिबल है कि ए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हो नहीं पॉसिबल है, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो आपका है ना एस के राइट में डी को ले लेता हूं, तो एक दो ये हो जाएगा मेरा डी, और डी के इमीडिएट राइट में आपका हो जाएगा क्यू, और क्यू किसका पड़ोसी है आपका सी का, तो सी के सामने हो जाएगा आपका आर, ठीक है। चलिए अब देखो उसने बोला था ये हो गया मेरा, अब बी का मतलब डी का पड़ोसी बी नहीं होगा, तो बी मेरा यहां पे नहीं आएगा। अब ए और बी के बीच में 1% आएगा। अब देखो आप ए को यहां पे ले सकते हो नहीं, अब ए को यहां पे लेते हो तो बी इधर पॉसिबल है, बट बी यहां पे आएगा नहीं, तो ये मेरा कंफर्म हो गया ए हो जाएगा, और ए और बी के बीच में 1% है, और बचा हुआ पर्सन कौन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पी, तो पी मेरा यहां पे आ जाएगा, ये देखो मेरा परफेक्ट हो गया। इसी चीज का आपको ध्यान रखना, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लिख लेते हो एक बार, उससे क्या होगा मुझे बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे मेरा क्या होगा टाइम कम लगेगा। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, प्री क्वालिफाई करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करके चलना। चलिए अब देखो मेरे 3 क्वेश्चन बेस्ड आए थे आपके, मतलब बेस्ड है मेरे इस पे डायरेक्शन पे। चलिए देखो अब मैं क्या करता हूँ, यही बना लेता हूँ, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। पी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ जी, मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ, जी के 8 मीटर वेस्ट में आपका कौन है, पी है, वेस्ट आपका ये होगा, इधर ईस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है। जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ टी, 16 मीटर ईस्ट ऑफ टी, जी जाके टी बोला, तो ये देखो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि तो उसने क्या बोला कि टी के ईस्ट में है, तो टी के ईस्ट में जी हो गया। एच इज ईस्ट ऑफ इस पॉइंट ऑफ ई, मतलब ई के ईस्ट में एच आएगा, तो यहां पे लिख दें ई के ईस्ट में एच आएगा। पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट ये होगा, तो नॉर्थ वेस्ट ये होगा, अभी हमें नहीं पता। अब इसने ये तो बोला है कि ई आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ वेस्ट में आपका ई है कितना, 5 मीटर, हम इसको बना लेते हैं, हमें नहीं पता अभी। द पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, हमें नहीं पता अभी, तो यहां पे हम इसको बना लेते हैं कि ए जो एफ के है ना 12 मीटर साउथ में होगा आपका ए। एंड पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ देम, देखो मिड पॉइंट है आपका पी का, तो एक चीज देखो पी आपका ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट है ना, तो ये मेरा एफ हो जाएगा। मिड पॉइंट कैसे होगा, जब ये 6 होगा और ये 6 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे ए, ठीक है। चलिए इसको यहां से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो बिल्कुल इजी से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से, धीरे धीरे हम टाइमर के साथ करेंगे, बट अभी फोकस करना पेपर को सॉल्व करने का तरीका। L इज 8 मीटर साउथ ऑफ S, S के क्या, S नहीं बताना मैं भी, तो S के 8 मीटर साउथ में कौन है आपका, L हो गया। H इज मिड पॉइंट ऑफ L एंड S, L और S का मिड पॉइंट होगा H, आप यहाँ पे H लिख देते हैं, हमें नहीं पता अभी। T इज 14 मीटर साउथ ऑफ E, अब देखो 14 मीटर साउथ ऑफ E है आपका, यहाँ पे देखो हमारे पास जगह कम है, तो मैं क्या करता हूँ इसको
इसमें प्लस हो सकता है क्या इसके? चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम कलर चेंज कर देते हैं, बार बार चेंज करना पड़ेगा ना, इससे बढ़िया हम कलर चेंज कर देते हैं। देखो क्या बोला था, जो पॉइंट टी है ना आपका 14 मीटर साउथ ऑफ ई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, है ना। तो 6 मीटर, इसको एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा रुकिए, इसको हम कॉपी कर लेते ना, चलिए रुकिए इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसकी एक स्क्रीन हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, न्यू स्क्रीन। चलिए थोड़ा सा हमें, ताकि हमें इसकी दिक्कत ना हो। इसको कटते हैं, कट, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। इसको थोड़ा यहां से हम, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखो अब इसके थोड़ा सा हमारे पीछे, हमने इसको इरेज नहीं किया था, कोई बात नहीं। देखो अब टी जो मेरा ना 14 मीटर किसके है, साउथ में है, वो आपका है इस पॉइंट के, ई पॉइंट के, है ना। तो ये मेरा 6 तो है ही, और ये मेरा कितना हो जाएगा, यहां से 8 मीटर हो जाएगा, है ना। 8 मीटर साउथ ऑफ किसके हो जाएगा, ये मेरा, ये हो जाएगा ई पॉइंट, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया, अब देखो ई के ईस्ट में मेरा एच है, तो ई के ईस्ट में मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, बट कंफर्म नहीं कि मेरा कहाँ पे अभी, ठीक है जी। आगे बोला जो एल के क्या नॉर्थ वेस्ट में आपका ई है, तो ई है ना आपका, वो नॉर्थ वेस्ट किसके हो जाएगा, एल के, हमें नहीं पता अभी, ठीक है जी। एस और एल का मिड पॉइंट था आपका एच, तो S और L का मिड पॉइंट है आपका, तो S और L का मिड पॉइंट है, मतलब ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पे L हो जाएगा और ये मेरा S हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपका क्या है, जगह कम है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। देखो अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया, द डायरेक्शन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू F, डायरेक्शन ऑफ L। अब ये देखो आपका क्या है, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, और पॉइंट तो हमारा नहीं छूट रहा ना कहीं, ठीक है। चलिए अगर आपने दिमाग लगाया होगा, अगर आप इसको भी अगर पाइथागोरस से करो, ठीक है, ये 5 है, ये 4 हो जाएगा ना, सपोज अगर हम इसका आधा भी करें, ये 4 भी करें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर आप दिमाग लगाओ, तो ये क्या होगा आपका, इसके आएगा ये नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आप इसको स्किप कर सकते हो गाइस, ठीक है, बट पीओ लेवल के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, क्लर्क लेवल के क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मेरे पास जो 5 क्वेश्चन आए ना ये, हाँ, इसमें क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कितना है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे रखे सिटिंग इन अ रो। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करना हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करने की, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या बोला उसने, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एम एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। चलिए अब मुझे पता है इनमें से कोई एक एंड पे बैठेगा। अब यहां तो देखो एम भी बैठ सकता है, एन भी बैठ सकता है, हमें नहीं पता अभी, तो यहां पर मैं लिख दूं इसका, एन और एम के बीच में एक पर्सन होगा, और एक इसमें से वन ऑफ देम यहाँ पे लिख देता हूँ, वन ऑफ देम एंड पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए देर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड सी, यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। देखो एन और सी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ये आ गया सी, या फिर सी को यहाँ पे ले लूँ, 1 2 3 अपने आप को शो कर देता हूँ आप, ठीक है, ये हो गया एन। एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में आपका एल है, तो यहाँ पे आ गया एल फर्स्ट केस में। इसमें देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये मेरा आ गया एल। अभी हमें नहीं पता एन मेरा एंड भी हो सकता है, उसमें बोला एन और एम में से आपका एक एंड पे बैठेगा। देर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन, हाँ देखो एक काम हम कर सकते हैं गाइस, हमारे पास देखो ये वाली इंफॉर्मेशन बेस्ट है, हु सिट थर्ड फ्रॉम द एंड। देखो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है इसको स्टार्ट करने क्वेश्चन को,
देखो इसलिए मैंने आपको बोला था सारी इंफॉर्मेशन लिखा करो आप, ठीक है। देखो देर आर सिक्स पर्सन सीट बिटवीन सी एंड बी, हो सीट थर्ड फ्रॉम द एंड। अब ये मेरी राइट हैंड हो जाएगा एक बार, तो मैं देखो एक दो तीन, ये हो जाएगा बी की जगह, ये मेरा एंड हो जाएगा। और इस केस में मेरा देखो यहाँ पे एंड ले लूँ मैं, तो एक दो ये हो जाएगा तीन, सिक्स पर्सन है सी और बी के बीच में, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया सी। इसमें देखो आप एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो जाएगा मेरा सी, ठीक है जी। अब देखो एल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में एल है आपका, तो एक ये हो जाएगा एल, इसमें देखो एक दो ये हो गया मेरा एल, ठीक है जी। देयर आर थ्री पर्सन सीट बिटवीन एन एंड सी, अब एन और सी के बीच में तीन पर्सन है, तो अब इसके देखो लेफ्ट में पॉसिबल है राइट में पॉसिबल है, दोनों में देखो लेफ्ट और राइट पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक दो तीन ये हो गया सी, ठीक है जी। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में आपका, आर के सेकंड लेफ्ट में आपका पी बैठा है, मतलब बी बैठा है, तो ये देखो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आर, और इसके हो जाएगा मेरा आर के सेकंड लेफ्ट में बी। हु डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड, हु मतलब इसके लिए आपका आर के लिए, आर मेरा एंड पे नहीं बैठेगा, बट फर्स्ट केस में देखो आर मेरा क्या आ रहा है, एंड पे आ रहा है, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा कन्फर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। चलिए फिर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, मेरा जो आंसर आ जाएगा वो सेकंड केस से आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे आगे। अब आगे क्या बोला, देयर आर फोर पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में आपके चार पर्सन बैठे हैं, अभी हमें नहीं पता कि राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। मोर देन थ्री पर्सन सीट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच मोर देन तीन का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, चार होंगे पांच भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता अभी, ये हो जाएगा आपका एम और ओ के बीच में। देर आर टू पर्सन सीट बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में दो पर्सन है, तो देखो एक दो के पॉसिबल है नहीं, तो अब देखो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मेरा एंड हो जाएगा, इसका थोड़ा सा जगह कम है ना, तो ये हो जाएगा मेरा बी, ये हो गया मेरा आर, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए थोड़े से हमारे, आज मैंने कोशिश कर रहा था कि इसको लेवल बढ़ा के चलो गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो ये हो जाएगा मेरा के, क्योंकि तो उसने बोला ना आर और के बीच में दो पर्सन, ठीक है जी। अब देखो ये हमारा देखो सी, हाँ देखो एन और सी के बीच में तीन पर्सन है, एक दो तीन एन मेरा, अब देखो राइट में पॉसिबल है लेफ्ट में पॉसिबल है, तो इसकी भी हम क्या करते हैं, दोनों केस आपको समझा देता हूँ। ये मेरा एंड है, इससे डिनोट करूंगा मैं और एरो से, के ये बी, ये हो गया मेरा आर, एक दो ये हो गया मेरा एल, ये हो गया मेरा सी, तो एन और सी के बीच में तीन है, तो एक दो तीन ये हो जाएगा मेरा एन, एक दो तीन ये हो जाएगा मेरा एन, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया मेरा ओ और एन के बीच में चार पर्सन है, अब देखो ये लेफ्ट में पॉसिबल है और राइट में पॉसिबल है, फर्स्ट केस देखो एक दो तीन चार यहाँ पे पॉसिबल है आपका कौन, ओ, इधर देखो एक दो तीन चार इधर भी पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, पहली इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे, देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एम, वन ऑफ देम सिट एट द एंड, देखो हमारा फर्स्ट केस देखो ये है। अब देखो अगर आप देखो यहाँ पे एम आ नहीं सकता, यहाँ पे आ गया अगर एम, सपोज हम ले लेते हैं कि एम और एन के बीच में एक पर्सन है, बट दोनों में से कोई एंड पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसको यहाँ से इरेज कर दो, इसलिए मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बट अगर मैं टाइमर के साथ करता स्टार्टिंग में तो आप क्लास नहीं लेते कंटिन्यू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इन्फॉर्मेशन, तो मुझे पता चल गया कि एन और एम में से एक मेरा यहाँ सकता है, तो मैं एक बार देखो एंड पे लेता हूँ एन को सपोज, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एम लेता हूँ, अब मेरा एम इसके राइट में पॉसिबल था, ठीक है, बट एक बार हम चेक कर रहे हैं। अब देखो ये वाली, हाँ ये हो गई पहली वाली, अब देखो ओ और एन के बीच ये मेरा एंड पे आ गया, एन और ओ के बीच में चार है, एक दो तीन चार यहाँ पे ओ ले लेता हूँ मैं,
बट लास्ट इन्फॉर्मेशन देखो ना, एम और ओ के बीच में कम से कम चार होने चाहिए। यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके, एक दो आई आ रहे हैं। मतलब ये कंफर्म है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ से, एम मेरा कंफर्म हो गया कि इधर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा से इसको थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं। तो ये मेरा एन है, एन के राइट में मैं लेता हूँ एक बार एम को, यहाँ पे मेरा एम आ गया। एम मेरा क्या हो जाएगा इस बार, एंड पे हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ओ और एन के बीच में चार है, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर एक दो तीन चार, ये हो गया मेरा ओ। अब देखो ये वाली एम और ओ के बीच में कम से कम चार होने चाहिए, तो देखो एक दो तीन चार पांच हो रहे। ठीक है जी, ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे क्या आया था, चलिए क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अब देखो दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से ब्लड रिलेशन के। ठीक है, इसने क्या बोला कि सेवन मेंबर्स आर लिविंग इन द फैमिली, फैमिली में रहते हैं। अब अगर जो आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को एज अ हिंदी में ट्राई करना, बच्चे क्या करते हैं ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े, कोशिश करना हिंदी में ट्राई करना। क्यों इज द डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर है कौन आपकी, वो हो जाएगी क्यों, वो डॉटर है। बी इज द ब्रदर ऑफ आर, नहीं पता हमें अभी। ठीक है जी, ने भी नहीं पता अभी हमारे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कि बी इज द अंकल ऑफ क्यू, क्यू का अंकल है। अब इसमें ये मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, बट हम चेक करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, पी का ब्रदर लेते हैं बी को, ठीक है, और बी मैरिड टू विद ए, बी मैरिड किससे हो जाएगा ए, तो ए ऑटोमेटिकली वाइफ हो जाएगा किसकी, बी की। डी इज द फादर ऑफ बी, तो डी क्या हो जाएगा, फादर किसका हो जाएगा आपका, बी का। ठीक है जी, बी ब्रदर इज ऑफ आर, बी इज द ब्रदर ऑफ आर, बी इज द ब्रदर ऑफ आर हो जाएगा, बी है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है चलिए, उसके बाद इसने बोला कि जी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, जी जो आपका क्या है, मदर इन लॉ ऑफ किसकी, ए की, ए की मदर इन लॉ है कौन, जी, तो यहाँ पे ए की मदर इन लॉ है, तो ये हो जाएगा आपका जी, जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, वाइफ ऑफ डी। ये देखो मेरा करेक्ट सीक्वेंस बन गया। अब इसमें क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी का रिलेशन मतलब बताना है बी के साथ, सॉरी बी का बताना है पी के साथ, तो बी आपका ये है, तो बी क्या है रिलेशन किसके साथ है, ये क्या हो जाएगा ब्रदर, ये क्या हो जाएगा मेरा, मतलब बी क्या हो जाएगा ब्रदर ऑफ किसका हो जाएगा, पी का। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक आपको एक डिजिट दे रखा है, मतलब एक सीक्वेंस दे रखा है नंबर्स का, 6, 2, 4, 7, 3, 9, 8, 5 और 4। आगे इसने क्या बोला है कि वन इज एडेड टू ऑल इवन नंबर, इवन में आपका वन ऐड करना है, तो वन ऐड करोगे तो 7, इसमें ऐड करोगे तो 3, इसमें ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 5, इसके बाद 8 में करोगे तो 9, 4 में ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 5। वन इज सबट्रैक्ट फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, ऑड नंबर में से माइनस करोगे तो 7 में से 1 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 1 ऐड किया, सॉरी माइनस किया तो 4। अब इसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 1, 2, 3, 4, 5 और एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से फोर्थ, 1, 2, 3, 4, 8 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपके जो पांच क्वेश्चन आए हैं, मतलब हाँ पांच क्वेश्चन जो आप बेस्ट है ना वो आपका है, देखो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट दो क्वेश्चन ले लिए, एक आपका रेक्टेंगुलर बेस्ड है, ये आपका हो गया स्क्वायर बेस्ड टेबल है आपकी। चलिए अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा मैंने सर्कुलर बेस लेना, चलो कोई बात नहीं, एक मेरी स्क्वायर टेबल है, इसमें क्या बोला रहा? सिटिंग स्क्वायर टेबल, 4 आर फेसिंग इनसाइड, 4 आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, बट इसने क्या बोला है कि द 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर, जो कॉर्नर पे उनका फेस आपका सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये हो गया सेंटर की तरफ।
और जो आपके क्या है साइड बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है, ये हो जाएगा आउटसाइड। अब देखो गाइस, आपको जितना हो सके ना पजल और सिटिंग रेंज में फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको SBI PO निकालना है या SBI क्लर्क निकालना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो 70 to 80% या कहूँ 90% भी सिलेबस आज के लिए कवर कर रहा है गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। ए हु फेस द सेंटर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु लाइक ब्लैक कलर। ए को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेंटर की तरफ, ये एफ के थर्ड लेफ्ट में, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एफ हो सकता है ये राइट में आएगा, तो देखो एफ मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा। और एफ के थर्ड लेफ्ट में देखो 1 2 3, और एफ मेरा कौन सा कलर लाइक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है हमारा ब्लैक कलर। बी हु फेस द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी नहीं होगा बी, ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो एक बचा आपके ये वाला, ये सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है जी, द वन हु लाइक व्हाइट कलर सेट डायगनली अपोजिट टू ब्राउन कलर। डायगनली अपोजिट मतलब ऐसे, ये व्हाइट के अपोजिट कौन सा आएगा आपका, जो कलर आपका लाइक करता है ब्राउन, अभी हमें नहीं पता, यहाँ पे भी हो सकता है ये इधर भी हो सकता है। ठीक है जी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई हु लाइक पिंक कलर। अब देखो यहाँ पे एफ और ई के बीच में आपका आएगा एक पर्सन, और ई आपका लाइक करता है पिंक कलर, तो ई मेरा देखो यहाँ पे पॉसिबल है, ई मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, अभी हमें नहीं पता। एच सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी हु फेस द सेंटर। अब देखो अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो सपोज, तो सी के सेकंड राइट में एच होना चाहिए, इसके राइट में देखो पॉसिबल है कि एच नहीं ना, तो मुझे पता चल गया सी कन्फर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा, इसके सेकंड राइट में तो लेफ्ट हो जाएगा, इसके सेकंड राइट ये हो जाएगा मेरा एच। ठीक है जी, डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, ए का पड़ोसी डी यहाँ पे भी नहीं आएगा ना आपको यहाँ पे आएगा, तो डी कन्फर्म हो गया यहाँ पे आएगा। अब देखो एफ और ई के बीच में एक पर्सन है, तो देखो इधर पॉसिबल है राइट में नहीं ना, तो इधर ही आएगा, और ई लाइक करेगा आपका पिंक कलर। ठीक है जी, इसको यहां से मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक ब्लैक कलर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन कलर। जो ब्लैक कलर लाइक करता, देखो ये थर्ड लेफ्ट में किसके होगा आपका, जो लाइक करेगा ग्रीन। देखो आपका ये होगा, ये पॉसिबल है कि बी के थर्ड राइट में, एक दो राइट में थर्ड है बट हमें चाहिए लेफ्ट में, ये हो जाएगा ए, जो आपका लाइक करेगा ग्रीन। ठीक, चलिए, द वन हु लाइक ब्लू कलर सेट अपोजिट टू वन हु लाइक पिंक कलर। तो पिंक कलर के अपोजिट आपका ये है, इसके अपोजिट वो पर्सन हो जाएगा जो आपका ब्लू कलर लाइक करेगा। द वन हु लाइक ब्राउन कलर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी है जो आपका ब्राउन कलर लाइक करेगा। अब ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रीन है, एच मेरा लाइक करेगा ब्राउन, और ब्राउन के डायगनली अपोजिट कौन सा पर्सन है, जो आपका व्हाइट लाइक करता है, तो बी आपका लाइक करेगा व्हाइट। चलिए इसको यहां से हम इरेज कर देते हैं। देखो नेक्स्ट, जी डज नॉट लाइक ग्रे, जी के साथ आपका ग्रे नहीं आएगा, एक ही पर्सन बचा मेरा जी, जी मेरा यहां पे, अब जी के साथ ग्रे नहीं आएगा तो वो आ जाएगा सी के साथ। ठीक है, द वन पर्सन लाइक, वन ऑफ द पर्सन इज येलो, तो जी मेरे क्या लाइक करेगा आपका, वो लाइक करेगा आपका येलो। देखो कितने इजी तरीके से आपका बन गया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को पढ़ना सीख जाओ, पुटअप करना सीख जाओ, एक बार आपने कनेक्ट करना सीख गया, जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे पकड़ो जो मेरी बाकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो जाए, तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसके लास्ट, ये आपका है फ्लोर बेस पजल। मैं कोशिश यही करूंगा, देखो बाकी टॉपिक मिसलेनियस में कराऊंगा, बट मैं फोकस करूंगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी प्लेलिस्ट देख रहे हो, मैंने देखो 100 आपकी बना रखी है पजल से, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट करा रखे हैं, 100 आपके फ्लोर बेस करा रखी है, ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो आप उसको जरूर देखो पजल को। ठीक है, चलिए अब मेरे पास क्या है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, नंबर 1 से लेकर 7 तक, तो देखो ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है,
चलिए अब देखो हमारे पास क्या 7 फ्लोर की बिल्डिंग है और पर्सन मेरे देखो 6 दे रखे हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि एक फ्लोर कंफर्म वैकेंट होगा। तो यहाँ पे बोला भी है वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट। ठीक है जी, ए लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, ये मेरी क्या है डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेट है, इसको डायरेक्ट रख सकता हूँ कि ए मेरा कंफर्म हो गया 5th फ्लोर पे आएगा। नो फ्लोर बिलो 5th इज वेकेंट, आल्सो नो ऑड फ्लोर इज वेकेंट, नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वेकेंट। एक दिमाग में आ रहा है कि जो मेरा नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वेकेंट, मतलब क्या है कि जो 5th फ्लोर के जो नीचे है ना खाली नहीं होगा, ऊपर खाली होगा। आल्सो नो ऑड नंबर इज वैकेंट होगा, तो मुझे पता चल गया कि जो वैकेंट फ्लोर क्या हो जाएगा मेरा 6th हो जाएगा। ओनली डी लिव्स बिटवीन ई एंड एफ, एफ और ई के बीच में आपका ओनली डी रहेगा। अब मुझे कंफर्म नहीं कि मेरा ई ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। एफ डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एफ मेरा क्या हो जाएगा इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक है जी, ई डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएट बिलो और इमीडिएट अबाव सी फ्लोर। सी जहां पर रहता है ना तो उसके ऊपर आपका ई आएगा ना उसके इमीडिएट बिलो आएगा। नीचे छोड़ के आ सकता है 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ऊपर नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या बोला, बी डज नॉट लिव ऑन अ बॉटम मोस्ट फ्लोर, जो आपका बी है ना वो बॉटम मोस्ट फ्लोर पर नहीं आएगा। चलिए अब मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि इंफॉर्मेशन ऐसे में क्या लूं कि जिससे मेरा कंफर्म सही हो जाए। तो देखो ये वाला, अब देखो इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो दोनों हम साथ में लेके चलते हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, एफ को ले लेता हूँ 4th फ्लोर पे और एक बार लेता हूँ 2nd फ्लोर पे। तो यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। सेकंड में डी मेरा 3rd पे हो गया तो ई मेरा हो जाएगा 4th फ्लोर पे। ठीक है, अब देखो बी मेरा बॉटम पे तो आएगा नहीं, बी के लिए जगह देखो आपकी ए की बची 7th फ्लोर, बी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे हो जाएगा। और एक जो पर्सन है वो आपका है सी, तो सी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे हो गया। चलिए ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई, बट मेरे पास क्या दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक राइट हो रही है। ठीक है, तो जब दोनों पॉसिबिलिटी जब राइट हो रही है आपकी, तो हम लास्ट इंफॉर्मेशन ऐसे देखते हैं जिससे मेरा कनेक्ट हो जाए। तो देखो ये वाली, सी के जस्ट अबाव भी ई नहीं होगा और ना ही जस्ट बिलो होगा, तो सी के यहाँ तो जस्ट अबाव आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या होगी मेरी फर्स्ट कैंसिल हो जाएगी, जो मेरा आंसर होगा वो बनेगा 2nd। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये ओवरऑल मेरा सेशन था, 35 के 35 क्वेश्चन लिए, आपको कोशिश करनी है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। मॉक नंबर 1 था, डेली आपको मॉर्निंग में 11 बजे एक क्लास मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव चैट में आपका मैं आ जाऊँगा, टाइम मिलेगा तब। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारे इस सिलेक्ट क्लासेस चैनल को अगर आपने कुछ सपोर्ट करना चाहते हो और आपको लगता है इसने कुछ सीखना हो आप, तो इसको जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।